नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। वृश्चिक राशि 22 से 31 दिसंबर 2019 क्या कहते हैं आपके सितारे। साल का अंतिम सप्ताह, साल की अंतिम तारीखें किस प्रकार से बीतेंगी, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यह सप्ताह आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या खुशियां, क्या सावधानियां, क्या उपाय करने हैं, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बहुत जल्द ही 2020 में प्रवेश करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को भी, और आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले निशान के बटन को भी जरूर दबा दें। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, मेरी जन्मदिन है या कोई अन्य शुभ पर्व है, तो मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं राशिफल पर। यह सप्ताह की जो शुरुआत होगी, आप परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए आप सप्ताह की शुरुआत करेंगे या करेंगी। परिवार से अत्यधिक लगाव होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जिससे परिवार के सुखों में वृद्धि हो। ये सप्ताह की शुरुआत आप कह सकते हैं कि आप परिवार के लिए जिएंगे, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिवार से अत्यधिक लगाव होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका परिवार जो है और अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। आप अपने परिवार के लोगों की, परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों की बहुत तरीके से जानकारी रखेंगे और उनको पूरा करेंगे। यानी कभी आपसे किसी ने कुछ मांगा होगा, नहीं दे पाए, और इस समय पर पैसा भी होगा, वक्त भी होगा और मन भी होगा, तो आप वो इच्छाएं उनकी पूरी कर सकते हैं या कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से धन एकत्र कर सकते हैं। आपके परिवार का भी साथ मिलेगा, आपके परिवार वाले भी आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी कद्र करेंगे, आपकी मेहनत की कद्र करेंगे। आप धन को जोड़ पाएंगे, धन का सही निवेश कर पाएंगे। विवाह हो गया है तो आपकी संतान आपके लिए खूब बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगी। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई में आगे रहेंगे। नौकरी व्यापार करते हैं तो वहाँ से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, नौकरी लग सकती है, व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आपके पास आपके बड़ों का आशीर्वाद होगा। आपका ये पूरा वक्त परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छा करने में बीतेगा। आप नौकरी व्यापार कुछ ना कुछ करते होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको कार्य क्षेत्र में सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, यानी कुल मिलाकर हर जगह से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह के मध्य में आपके घर में कुछ छोटा या बड़ा मांगलिक कार्य या फंक्शन हो सकता है, या उसकी चर्चा हो सकती है, तय हो सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सप्ताह के मध्य में सेहत में गिरावट आ सकती है और आपके जोश को और आपकी अच्छी चल रही जो सफलता है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है सेहत की वजह से। सेहत की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 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 समय बीतेगा आपकी सेहत भी ठीक होती चली जाएगी और आप फिर से अपने कामों में लग जाएंगे, जुट जाएंगे। पारिवारिक बहस का माहौल बन सकता है सप्ताह के मध्य में। किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, किसी चीज को लेकर बहस हो सकती है। आप सब कुछ करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक बहस सप्ताह के मध्य में हो जाएगी, कुछ चीजों को लेकर विवाद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति जो है वो भंग हो जाएगी। अब मैं यहां पर यह कहूंगा कि शुरुआत जो कि आपने सप्ताह की अपनों के लिए की, अब आपने बहुत पैसा खर्च किया, उनके लिए बड़ा वक्त दिया, उनके लिए चीजें लेकर आए, अब सप्ताह के मध्य में कुछ लोगों को आपकी की गई इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आएगी, कुछ लोगों के मन मुताबिक काम नहीं होगा, कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, कुछ चीजों में और भी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कलह कलेश हो सकता है घर पे, और ये आपको बड़ा परेशान करेगा क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से अपने कमाए हुए धन को निवेश किया, लोगों की जरूरतों को पूरा किया, उनकी इच्छाओं को पूरा किया, और जरा सी कमी के कारण अब आपको चार बातें सुनने को मिल गई। ये सब कुछ आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करेगा लेकिन धीरे धीरे सबको सामान्य भी हो जाएगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपनों का, रिश्तेदारों का फिर से साथ मिलना शुरू हो जाएगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी,
यानी बीच में कुछ वक्त ऐसा आएगा जब अपने ही पराए हो सकते हैं या थोड़े ताने वगैरह मार सकते हैं। महीने की 30 और 31 तारीख आपके लिए प्रसन्नता भरी होगी, आपके पास धन का आना जारी रहेगा, आप कुछ बड़े मुनाफे के सौदे कर सकते हैं या कर सकती हैं। छात्रों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होगी, छात्रों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन पढ़ाई दिक्कतों के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी। विवाहित हैं तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। 31 तारीख को अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने वाला दिन होगा, यानी कि समझ लीजिए साल का अंतिम दिन सारे कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हुए एक नए बढ़िया साल में प्रवेश कराएगा। आपकी माताजी आपके पिताजी का साथ होगा, उनका आशीर्वाद होगा। आपके माताजी आपके पिताजी आपको कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। भाई बहन से अच्छा प्रेम बढ़ेगा। आप कोई घर लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं तो उसके लिए भी कोई लोन वगैरह अटका हुआ था या कोई मामला अटका हुआ था तो वहाँ से भी 31 तारीख को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। परिवार के लिए आपको पैसा खर्च करेंगे, परिवार की ज़रूरतों के लिए, परिवार के लिए आप जिएंगे सप्ताह में, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और थोड़ा बहुत परिवार का गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है। कुछ ना समझ बच्चे होते हैं परिवार में या ना समझ बड़े भी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं उन्हें कब क्या कैसे बोलना है और वो गलतियां करते रहते हैं। उन्हीं की गलतियों की वजह से, उन्हीं की ना समझियों की वजह से आप थोड़े से निराश हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका करीब 62% तक मुझे बेहतर रिजल्ट देता हुआ मिल रहा है। बाकी थोड़ी सावधानियाँ रखनी होंगी। ध्यान रखिएगा वाहन चलाते समय, ध्यान रखिएगा किसी से भी कोई कमिटमेंट करते समय, ध्यान रखिएगा अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना है। बढ़िया बोलिए, बढ़िया सुनिए और लोगों के लिए उतना ही करिए जितना आपकी जेब अलाउ करती है। कहीं ऐसा ना हो कि अपना घर लुटाकर आप दूसरों का घर बसा दें, इससे भी आपको नुकसान होगा। भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी आराधना करिए और भैरव बाबा की भी आराधना करिए। सभी कष्ट दूर होंगे और 2020 के नए शुभ साल में भगवान भोलेनाथ, भैरवनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको लेकर जाएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड का पाठ करिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति और रक्षा होगी। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना मत भूलिएगा। संभव हो सके तो इस सप्ताह में जो भी सोमवार पड़ता है उस सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं और वहां पर जाकर शिव जी को चंदन का लेप लगाएं और फिर उनका जलाभिषेक करें, बहुत बढ़िया रहेगा। 2020 की शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको? 2020 की शुरुआत आपको बहुत शानदार तरीके से करनी चाहिए ताकि आपका पूरा साल आगे आने वाले 365 दिन बहुत खूबसूरत बीते। तो 2020 की सुबह जल्दी उठें, यानी कि आप 31 तारीख को एक झाड़ू खरीद लें और यह झाड़ू चुपचाप खरीदें, गुप्त रूप से खरीदें, किसी को बताएं नहीं। और 1 तारीख की सुबह घर के पास के मंदिर में जाकर वो झाड़ू रख दें और चले जाएं। नहा धोकर जाएंगे तो बढ़िया रहेगा और अपने कामों में लग जाएं, भगवान का आशीर्वाद लें। आपके लिए यह झाड़ू बहुत काम करेगा, आपके जो दुख हैं, आपकी जो तकलीफें हैं उनको साफ कर देगा और जीवन में जब कठिनाइयां दूर हो जाएं, सफाई हो जाए तो खुशियां अपने आप आ जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आपका यह सप्ताह, या मैं कहूँ सप्ताह की जो अंतिम तारीखें हैं दिसंबर 2019 की, वह बेहतरीन जाए और आप लोग खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।